मिर्ची 90s पे आज हम अनाउंस करने वाले हैं द टॉप 5 म्यूजिक एल्बम्स ऑफ द 90s। और ये जो 5 एल्बम्स है ना, ये आपने यानी कि जनता की जूरी ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे वोट करके सिलेक्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले एल्बम आपको बता रही हूँ, एंड दैट इज स्माइल दरबार एंड संजरीना बंसालीज हम दिल भेज के सनम। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही है, ब्रेकअप सॉन्ग फॉर अ जनरेशन, या फिर चांद छुपा बादल में, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, इतने सारे अलग अलग गाने। और आपको पता है कि इस्माइल दरबार संजय लीला बंसाली ने 2 साल लगाए थे ऑन द वर्किंग ऑफ द म्यूजिक ऑफ हम दिल भेज के सनम, एंड डेफिनेटली इट डिजर्व्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स। लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है। दूसरी एल्बम जो इस लिस्ट में शामिल होने वाली है इज ए आर रहमान दिल से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, सतरंगी रे, एंड द एवर पॉपुलर द सुपर डांसी छैया छैया। वेल, अब ये एल्बम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ए आर रहमान की एक और एल्बम इस लिस्ट में शामिल होती है, एंड दैट इज याई रे रंगीला। जी हाँ, जिस एल्बम से आशा भोसले का एक तरह से कमबैक हुआ था विद द सॉन्ग तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है। वेल, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। 5 मैंने आपको बताया था मूवी शामिल होने वाली है, जिसमें से हम दिल दे चुके सनम, दिल से, रंगीला तो अनाउंस हो चुका है। चौथी एल्बम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट एज पर जनता की जीवी इज आशिकी। जी हाँ, एक ऐसी एल्बम जिसने एक एक जनरेशन के लिए रोमांस को डिफाइन किया था। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तो। और लिरिक्स सुनिए, समीर जी की कितने सिंपल लिरिक्स हैं। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। और 5वीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एल्बम जो इस लिस्ट में नॉमिनेट हुई है वो है जतिन ललित जी की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें वैसे तो बहुत सारे गाने थे और सब गाने पॉपुलर हुए थे, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट पता है कौन सा है, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। एक ऐसा गाना जिसमें पंजाब की मिट्टी की महक आती है, एंड अमरीश पुरी जिस तरह से उस गाने के साथ कनेक्ट करते हैं ना, मजा आ जाता है। तो चलिए आपके लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। द 5 एल्बम्स दैट आर नॉमिनेटेड आर हम दिल दे चुके सनम, रंगीला, दिल से, आशिकी एंड दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब इन 5 एल्बम्स में से आपको सिलेक्ट करना है दैट एल्बम नंबर 1 ऑफ द 90s कौन सी है। तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप वोट कर सकते हैं, और जिस एल्बम को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो बन जाएगी एल्बम नंबर 1।